चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करने वाले हैं मारुति की एक बेहतरीन गाड़ी जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो आज हम बात करेंगे VXI वेरिएंट के अंदर आने वाली मारुति डिज़ायर के बारे में, जो कि दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ में ही मिलती है। यानी कि पहले जो डीजल के अंदर मिला करती थी वो अब कर दी है मारुति ने बंद। आज हम बात करेंगे मारुति पेट्रोल डिजायर के बारे में। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है तीन तरह के वेरिएंट्स में आती है। एक होता है सबसे बेस वेरिएंट इसका LXI, उसके बाद में आता है VXI और उसके बाद आता है ZXI, और ZXI के ऊपर भी आता है एक ZXI ऑप्शनल जो है वेरिएंट, आप वो परचेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर हम इसकी बात करें VXI वेरिएंट की, तो ये जो गाड़ी है इंदौर में आपको 7,88,000 रुपये के आसपास की कीमत में खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस गाड़ी के साथ में आपको कुछ इस तरह की दो चाबियाँ मिलती हैं, रिमोट की रहेंगी, जिसके अंदर आपको लॉक और अनलॉक करने के दो बटन्स मिल जाते हैं। जब भी आप अपनी गाड़ी का जो है चाबी के ऊपर ये जो बटन लगे हैं इनको प्रेस करते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको इंडिकेटर जो है वो ग्लो करता है, और इसके अंदर आपको जो है एक साउंड भी आती है। चलिए चलते हैं हम गाड़ी के पास में। सामने की साइड से आपको मैं लुक दिखाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह की दिखती है हमें मारुति डिज़ायर। जहाँ पर हम VXI वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो सामने की साइड में आपको इसके जो हेडलाइट है वो मिलते हैं हैलोजन बल्ब के साथ में आने वाले, साथ ही आपको यहाँ पर जो है इसके इंडिकेटर वगैरह इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। नीचे की साइड में आप यहाँ पर फोग लैंप लगा सकते हैं। आपको VXI वेरिएंट के अंदर फोग लैंप नहीं मिलते हैं, लेकिन आप ZXI अगर वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको फोग लैंप भी मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों बीच में आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी का S लोगो मिलता है, और साथ ही आपको ये जो है शानदार सामने की साइड में इसके जो है ब्लैक कलर के ग्रिल्स मिलते हैं, फाइबर के साथ आएंगे। ये बड़ा सारा लोगो है सुजुकी का, और यहाँ पर जो है चारों ही तरफ जो है आपको क्रोम की फिनिश जो है वो देखने के लिए मिलती है। इस तरह की गाड़ी हमें कुछ दिखती है साइड से। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी के साथ में मिलने वाले हम इंजन के बारे में। यहाँ पर आपको जो है 1.2 लीटर यानी कि लगभग 1197 सीसी का इसका 4 सिलेंडर इनलाइन जो है इसके अंदर इंजन मिलेगा, जिसके अंदर अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर हमें पावर मिलता है लगभग 88.50 BHP का 6000 RPM के आसपास, और इससे हमें टॉर्क मिलेगा 113 Nm के आसपास का 4400 RPM के आसपास। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं BS6 गाड़ी होने के बाद में यहाँ पर क्या चेंजेज किए हैं कंपनी ने, कि आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट पाइप के अंदर ये आपको जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, और यहाँ पर आपको O2 सेंसर दिया गया यानी कि ऑक्सीजन सेंसर, जैसे कि हमारी गाड़ी के जो है BS6 की जो पोल्यूशन मानक है वो मीट हो पाते हैं। कुछ इस तरह की इंजन की आवाज़ है, आप अगर सुन पा रहे हैं तो काफ़ी स्मूथ आवाज़ है, यानी कि पता भी नहीं चलता। पेट्रोल गाड़ी की तो वैसे भी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर आपको आवाज़ का पता भी नहीं चलता है कि कितनी आवाज़ इंजन की हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पर बैटरी मिल जाती है काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर आपको एमरॉन की बैटरी मिलती है। और ओवरऑल दोस्तों अगर इस गाड़ी के हम माइलेज की बात करें, तो आपको यहाँ पर माइलेज मिलेगा इस नए BS6 इंजन के साथ में आने वाली डिजायर से लगभग 23.26 KMPL का आपको यहाँ पर माइलेज मिल जाता है। दोस्तों इस कार के साथ में आपको 37 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिलेगा, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको फिक्स किया गया है। और अगर हम बोनेट की बात करें तो यहाँ पर आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है, जिससे कि इंजन की जो साउंड है वो अंदर नहीं आएगी। और अगर हम बॉडी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे मतलब मजबूत मटेरियल के साथ में गाड़ियों को बनाया है मारुति कंपनी के द्वारा। चलिए दोस्तों मैं गाड़ी की लंबाई चौड़ाई से आपको रूबरू करा देता हूँ। इस गाड़ी की जो है टोटल आपको लंबाई मिलती है लगभग 3995 mm, और चौड़ाई मिलती है 1735 mm। वहीं अगर हम इसके हाइट की बात करें तो 1515 mm के आसपास आपको जो है इसकी हाइट मिलती है। आपको यहाँ पर व्हील बेस मिलता है लगभग 2450 mm के आसपास का। साथ ही दोस्तों आपको मैं नीचे की साइड में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको 160 mm का जो है यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे कि गाड़ी जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं या ब्रेकर वगैरह हैं उन वहाँ पर भी आसानी से निकल पाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इसके टायर्स के बारे में। आप अगर इसको ZXI वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है इसके टायर मिलेंगे अलॉय व्हील्स के साथ में। फिलहाल VXI के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पर 165/80 सेक्शन के 14 इंची के आपको यहाँ पर टायर मिल जाते हैं स्टील व्हील रिम के साथ में। साथ ही आपको यहाँ पर व्हील कैप भी मिलती है, कंपनी फिटेड ही मिलेगी है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं सुजुकी का लोगो भी दिया गया है। तो गाड़ी हमें ओवरऑल कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम इसके ORVMs के बारे में। यहाँ पर आपको बॉडी कलर के ही ORVM मिलते हैं, साथ ही आपको हैंडल वगैरह है वो कंप्लीट यहाँ पर आपको VXI वेरिएंट के अंदर जो है बॉडी कलर के साथ में ही मिल जाते हैं। ORVM के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपको ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ में आते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर इंडिकेटर भी मिलता है, आप अंदर बैठे हुए ही इनको यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है जब आप कभी ट्रैफिक वगैरह में निकल रहे होते हैं, सकड़े रास्तों में निकल रहे होते हैं, तो ये चीज़ बड़े काम की होती है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस ORVM के साथ में, अगर ये कभी इनकेस इस तरह से अगर कहीं अड़ भी जाता है तो ये पूरा का पूरा ये फोल्ड भी हो जाता है, यानी कि अगर मान लो कभी अड़ जाए तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फंक्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। बात करते हैं हम इसको दोबारा से उसी पोजीशन में ले जा करके छोड़ देते हैं, और अब बात करते हैं हम इसके बूट स्पेस के बारे में, फिर हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको रेडियो के लिए
एंटीना भी मिल जाता है कंपनी की तरफ से, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों पीछे की बात कर लेते हैं, आपको शानदार यहाँ पर ब्रेक लाइट्स मिलती हैं, पार्किंग लाइट वगैरह आपको शानदार पीछे मिली जाती हैं, और ब्रेक लाइट जो है आपको यहाँ पर LED के साथ में मिलेंगी, काफ़ी खूबसूरत ये लाइट्स हैं। और यहाँ पर बीच की साइड में भी आपको एक स्टॉप लाइट मिलती है जो कि डिजायर के अंदर अमूमन आपको मिली जाया करती है। अब बात करें अगर पीछे की यहाँ पर और फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर दो दो रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं, नाइट के समय में काफ़ी सहायक होते हैं जब आपकी गाड़ी कहीं चल रही होती है दूर कहीं रोड के ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों BS6 गाड़ी के अंदर अब आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो कंपलसरी मिलने वाले हैं। आप ये जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है इसको आप एसेसरीज के रूप में लगवा सकते हैं VXI वेरिएंट के अंदर। अगर आपको ये कंपनी फिटेड चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर ZXI गाड़ी खरीदने के लिए। नीचे की अगर बात करें दोस्तों, तो नीचे से गाड़ी हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर आपको सेंटर माउंटेड इसका जो है फ्यूल टैंक मिलता है, यानी कि पेट्रोल टैंक लगभग 37 लीटर का। और पीछे की साइड में दोस्तों आपको टॉर्सन बीम सस्पेंशन मिलेगा, और आगे मिलता है मैक प्रसन्न स्ट्रट सस्पेंशन आपको आगे की साइड में मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। यहाँ से आप अपने बूट स्पेस को ओपन करते हैं, आपको ये बटन मिलता है, आपको इसको पुश करना है, यहाँ लिड है ये ओपन हो जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको जो नंबर प्लेट है उसके लिए भी लाइट वगैरह मिल जाती है। और ये पूरी की पूरी पट्टी जो है आपको यहाँ पर क्रोम के साथ में मिलती है पीछे की साइड में, और मारुति सुजुकी का S लोगो, साथ ही मिलती है डिज़ायर की ब्रांडिंग। अब हम इसको खोलते हैं यहाँ पर, तो हमें जो है 373 लीटर यानी कि 373 लीटर के आसपास का शानदार बूट स्पेस यहाँ पर हमें मिल जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस है आपकी फैमिली के सामान को ले जाने के लिए, और यहीं पर जो है आपका स्पेयर व्हील भी मिल जाता है इसके नीचे की साइड में, और टूल किट वगैरह यहीं मिलेगी। स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो इसका साइज़ भी जो है यहाँ पर आपको 14 इंच का ही मिल रहा है, और यहीं पर जो है आपका जैक वगैरह और टूलिंग वगैरह भी साथ में शिफ्ट की हुई है, मतलब साइड में इनको रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह का नीचे का व्यू है गाड़ी के अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो। ओवरऑल काफ़ी सारा स्पेस है, यहाँ पर भी साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे आपको स्कूप मिलता है जिसके अंदर आप अपना सामान, छोटा मोटा जो सामान है उसको यहाँ पर इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका बूट स्पेस, अब हम करते हैं इसको बंद। चलिए दोस्तों अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको इसके जो है डोर हैंडल वगैरह मिल जाते हैं बॉडी कलर के साथ में ही आने वाले। यहाँ पर आपको मिलता है चाबी लगाने का प्रोविज़न, और अब हम खोलते हैं ड्राइवर साइड के डोर को। तो दोस्तों आपको कुछ साउंड आ रही होगी, जैसे ही हम ड्राइवर साइड के डोर को हमने ओपन किया तो यहाँ पर कुछ अलार्म जो है वो बज रहा है। ड्राइवर साइड के डोर की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको सारे ही जो पावर विंडो है उनके यहाँ पर आपको स्विचेज मिल जाते हैं। आप यहाँ वाले डोर को जो है ऑटो डाउन, मतलब आप इसको एक वन टच के साथ में इसको डाउन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप यहाँ पर इसको जो है अब तो मैनुअली करना पड़ेगा आपको इसको, और इसको आप डाउन जो है वन टच फंक्शन के साथ में कर पा सकते हैं, यानी कि आपको VXI वेरिएंट के अंदर वन टच फंक्शन के साथ में डाउन करने का प्रोविज़न यहाँ पर मिलता है। ये आपको ORVM के कंट्रोल स्विचेस मिल जाते हैं, इससे आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप फोल्ड वगैरह कर सकते हैं। और ये मिलता है आपको हैंडल, यहाँ पर कुछ फैब्रिक लगाया है, और ये है पूरा का पूरा ब्लैक फिनिश यहाँ पर देखने के लिए। साथ ही आपको क्रोम हैंडल मिलता है इसके अंदर ओपन करने का। और नीचे की साइड में दोस्तों आप यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं, कुछ कपड़ा वगैरह भी रख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर मिलता है डोर के ऊपर, और गाड़ी के अंदर का जो लुक है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो काफ़ी स्पेसियस जगह हमें मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पर एसेसरीज़ के रूप में लगाई गई, जैसे कि आपको देख सकते हैं सीट कवर वगैरह है वो मारुति के जेन्युइन एसेसरीज़ के रूप में इनको यहाँ पर फिट करवाया गया है डीलर के पास से ही। ड्राइवर सीट को आप जो है आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन सेट कर सकते हैं, साथ ही आपको इसके अंदर हाइट को एडजस्ट करने का भी प्रोविज़न VXI वेरियंट के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है आपको टॉप वेरियंट के अंदर मिला करती थी, अभी कंपनी के द्वारा इसको जो है VXI वेरियंट के अंदर भी दे दिया गया है, जिससे कि आप अपनी बॉडी के अनुसार आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकें। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस मिलता है, लेग स्पेस वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है। और यहाँ करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्टीयरिंग मिलता है जिसको कि आप टिल्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी के अनुसार आप बैठते हैं तो आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल स्विचेज मिलते हैं स्टीयरिंग के ऊपर जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको अलार्म का स्विच भी मिलता है एक अलग से। अलार्म का स्विच ये है दोस्तों कि जब आपकी गाड़ी चल रही होती है और अब आप अपनी सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगा पाते हैं या गाड़ी पीछे रिवर्स होती है, तो गाड़ी के अंदर तमाम सारे जो अलार्म आते हैं उनको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है जब आपके अलार्म वगैरह बजते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑफ़ करने की भी प्रोविज़न दी गई है। ये हेडलाइट्स के कंट्रोल स्विचेज हैं, यहाँ पर आपको लगानी है चाबी। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो बात कर लेते हैं अब इसके स्टीयरिंग के बारे में। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर स्टीयरिंग मिलता है, 3 स्पोक्स आपको जो है स्टीयरिंग मिलेगा, जिसके ऊपर आपको कुछ मल्टीमीडिया के कंट्रोल स्विचेज भी मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं म्यूजिक सिस्टम का, यहाँ से आप अपना गाना वाना चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको म्यूट करने का बटन मिलता है, साथ ही यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करने का भी ऑप्शन है, फ़ोन पिक कर सकते हैं, फ़ोन ड्रॉप कर सकते हैं, तमाम सारी कंट्रोल स्विचेज आपको जो है स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट टाइप का फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग मिलता है ब्लैक कलर का,
और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको वाइपर के कंट्रोल स्विचेज मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, आप इसको जो है 4 मोड के अंदर चला सकते हैं और राइट हैंड साइड में आपको जो है लाइट्स वगैरह के कंट्रोल स्विचेज मिलते हैं। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, यहाँ पर आपको 2 मीटर दिखाई देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इंजन आरपीएम मीटर जिसको कि टैकोमीटर भी कहते हैं और राइट हैंड साइड में आपको मिलता है इसका स्पीडोमीटर। बीच में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, फ्यूल गेज वगैरह। अभी हमारी गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं फ्यूल बिल्कुल एम्प्टी लेवल पर है तो ब्लिंक कर रहा है, और इस तरह से आपका ब्लिंक करेगा जब आपने गाड़ी के अंदर पेट्रोल बिल्कुल कम कर दिया उस समय पे, और यहाँ पर आपको फुल और यहाँ पे टाइम और अदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती हैं। तो दोस्तों ये था इसका जो है डिस्प्ले, जिसके ऊपर अगर हम देखें तो लाइट ऑन करते समय हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का असर दिखाई देता है। बात करते हैं दोस्तों इस साइड की, यहाँ पर आपको बीच में मिलता है इसका म्यूजिक सिस्टम। फिलहाल इसके अंदर एसेसरीज के रूप में इसको अलग से फिट करवाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है तमाम सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। और नीचे की साइड में आपको मिलता है यहाँ पर मैनुअल एसी, ये मैनुअल एसी के बटन है, गाड़ी स्टार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज़ गाड़ी के अंदर हमें सुनाई नहीं दे रही है। बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, यहाँ पर आपको कुछ वुडन फिनिश मिलता है देखने के लिए, और ये कुछ इसके हजार्ड लाइट के स्विच हो गए और ये आपके जो है इसके एसी के वेंट वगैरह हो गए। काफ़ी अच्छा फ्लो आ रहा है और ठंडक भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इस तरह का लुक है सामने का, अगर मैं पूरा आपको दिखा पा रहा हूँ तो गाड़ी कुछ इस तरह की हमें दिखती है। और अब बात करते हैं नीचे की, यहाँ पर और फंक्शंस की, फ़ीचर्स की। यहाँ पर आपको जो है ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए पॉइंट मिल जाता है 12 वोल्ट और 120 वोल्ट का, यहाँ पर आपको पावर आउटलेट मिल जाता है जहाँ से आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आप कुछ और एसेसरीज लगाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पर अलग से स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको पानी की बोतल, छोटे कप वगैरह रखने के लिए भी जगह मिल जाती है, मोबाइल आप चार्ज करते समय यहाँ रख सकते हैं। और कुछ इस तरह का हमें जो है इसका गियर शिफ्ट लीवर मिलता है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है डिजायर, आप इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में भी परचेज कर सकते हैं। अगर हम इधर साइड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका पार्किंग ब्रेक लीवर और सीट बेल्ट वगैरह के जो है मिल ही जाते हैं। पीछे के जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करने का भी सुविधा दिया गया है, पीछे बैठे लोग यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और पीछे के बारे में हम बात करेंगे आगे, सबसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इसका ग्लोव बॉक्स। यहां पर आपको काफी बड़ा सारा इसका ग्लोव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बुक आराम से चली गई है, आराम से आप यहां पर रख सकते हैं, इस तरह का आपको यहां पर ग्लोव बॉक्स मिलता है। और ऊपर की बात कर लेते हैं, यहां पर आपको जो है सनवाइजर वगैरह मिलेंगे वैनिटी मिरर के साथ में, मिलेगा को पैसेंजर को, ड्राइवर को, यहां पर आपको टिकट होल्डर मिलेगा, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। यहां पर आपको मिलती है लाइट और ये मिलेंगे आपको माइक्रोफोन, यानी कि आगे के दोनों ही लोग जो है आराम से बात कर सकते हैं। और ये होगी इसकी लाइट और ये है इसका डे नाइट विजन मतलब सेट करने वाला IRBM। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है एसेसरीज के रूप में अलग से इन चीज़ों को लगवाया गया है, अगर आप भी चाहें तो आप लगवा सकते हैं। और इधर की अगर हम लुक की बात करें तो आपको हैंडल वगैरह मिल जाते हैं, ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ में आते हैं ये, बीच में आपको लाइट भी मिलती है एक अच्छी खासी। तो इस तरह का लुक था सामने का। अब हम चलेंगे गाड़ी के पीछे और जानने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी की पीछे की साइड में आपको कितना स्पेस देखने के लिए और बैठने के लिए मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में इसका फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी कैपेसिटी लगभग 37 लीटर की है, आप यहाँ पर पेट्रोल फिल करा सकते हैं। अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर की साइड में, तो यहाँ पर हमारे जो है नासिर भाई जो है अंदर जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस है। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम पीछे के डोर की, यहाँ पर आपको जो है पावर विंडो का कंट्रोल स्विच मिलता है, यहाँ पर आपको पानी की बोतल रखने के लिए जगह भी मिलती है, स्पीकर वगैरह आपको चारों ही डोर के ऊपर यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि आपको 4 स्पीकर मिलते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर ओपन करने का इसका लीवर क्रोम फिनिश के साथ में। और गाड़ी के अंदर जो है दोस्तों काफ़ी सारा स्पेस हमें देखने के लिए मिलता है पीछे वाली सीट पर भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर नासिर भाई की जो लंबाई है लगभग मेरे ख्याल से 5'8" के करीब तो होगी ही, शानदार इनके पैर जो है काफ़ी फैल फूल के ये बैठे हुए हैं। और इनका जो हेडरूम है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, हेडरूम वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक इनको यहाँ पर मिलता है, यानी कि इतनी लंबाई चौड़ाई का व्यक्ति यहाँ पर आराम से बैठ सकता है। तो दोस्तों गाड़ी कुछ हमें इस तरह की दिखाई देती है, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल इसके हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे की साइड में भी, और इस तरह से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बीच की साइड में जो है इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाती है, साथ ही मिलते हैं आपको यहाँ पर कप होल्डर। तो दोस्तों इस तरह की सुविधाएं आपको पीछे की साइड में मिलती हैं। और अगर आप पीछे की साइड में आपको यहाँ पर सनसेट वगैरह लगाने के लिए भी पॉइंट दिए गए हैं, आप यहाँ से क्लेम करके सनसेट वगैरह भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं भी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गाड़ी हमें अंदर से कैसी दिखाई देती है। तो काफ़ी कम्फर्टेबल इसकी पीछे की सीटें हैं जहाँ से हम बैठ करके आगे का जो नज़ारा है इसको यहाँ से हम देख सकते हैं, कुछ इस तरह की गाड़ी हमें यहाँ से दिखाई देती है। तो दोस्तों सामने की साइड में है हमारा रोड AB रोड और ये जो है शोरूम है भंवरकुआ के पास में राणा मोटर्स। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए और इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए।
साथ ही दोस्तों पीछे के जो पैसेंजर है उनके लिए भी यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, यानी कि एयर वेंट मिलते हैं, जिससे कि पीछे के जो लोग हैं वो भी अपना सफ़र आसानी से कर सकें। और यहाँ पर उनके मोबाइल वगैरह को चार्ज करने के लिए भी पॉइंट आपको सेम जो आगे मिलता है उसी पावर का यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना कॉइन वगैरह है ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी जो है डिज़ायर हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है। आगे की साइड में, पीछे की साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों एसेसरीज़ के रूप में इनको लगाया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर दिखाई दी गई होंगी जिनको कि आप अपने ज़रूरत और बजट के अनुसार लगवा सकते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं वीडियो को यहीं एंड, और आपके सामने हैं ये जो दोनों गाड़ियाँ, ये हैं VXi वेरियंट। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं इंदौर शहर में तो इनकी ऑन रोड जो प्राइस है वो लगभग 7,88,000 रुपये के आसपास ऑन रोड प्राइस के अंदर आप इनको खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चाहे तो अपने दोस्तों में भी आप इस जानकारी को शेयर करें। आपके भाई ने बड़ी मेहनत के साथ में इन वीडियोस को बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो को बनाया हमने राणा मोटर्स के यहाँ से। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।